अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना एंड दिस इज चाय कॉफी और हम। तो सना, लेट्स स्टार्ट विथ बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। हाउ डिड यू लाइक द ओवरऑल? हम तो पहले ही कर रहे हैं, तो अभी सिक्स एपिसोड्स आ चुके हैं। एग्जैजरेशन की इंतहा है ना, सेवन ही आई है, सिक्स आई है। ओहो जी, और पिछले हफ्ते हम कर लेते रिकॉर्ड अगर कोई शख्स देख चुका होता वो, मगर शख्स ने लेजीपन में नहीं देखा था। एनीवेज, मुझे तो यार बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा। एक तो कास्ट बहुत अच्छी है, यंग बच्चे है वो, जो यंग बच्चा है हमजा मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है। सुहेल अहमद कॉमेडियन का बेटा है ना, एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कंसीडरिंग दैट ही इज फ्रॉम हिज मदर टंग इज प्रोबेबली पंजाबी, बिकॉज उसके फादर तो मुस्तकिल पंजाबी बोलते हैं। और उसके अंदर मतलब आपकी मदर टंग का थोड़ा सा डायलेक्ट का एक्सेंट आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है। एंड ही इज प्लेइंग लाइक बिल्कुल वो कराची बॉय और उसका एक्सेंट, एंड ही इज मेकिंग एन एफर्ट टू फिट इनटू द रोल। इतना अच्छा कर रहा है कि मुझे इकरा अजीज वांटिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि उसको बहुत ना सही तो कहीं कहीं मेमन लिल्ट लाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी बच्चे थे जो पढ़ते थे यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, वो वैसे ना भी बोलते हो, बहुत इंग्लिश का अच्छा एक्सेंट हो, तब भी इम्पल्सिवली जब आप बात करते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर से हल्का सा डायलेक्ट झलकता है। आपके डायलेक्ट का आता ही है, लाइक इवन व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, पीपल कैन टेल दैट लाइक एन उर्दू सो वो आपके मदर टंग का आता ही है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। मैं सना से भी थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि इकरा अज़ीज़, नो मैटर हाउ वंडरफुल शी इज, बट लेटली हर चॉइस ऑफ रोल्स हैज बीन काइंड ऑफ एक ही तरह के हैं। मन्नत मुराद से उठ के सीधी डायरेक्टली लैंड कर गई है रोमियो जूलियट में, वही मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ वही है। बल्कि ये उसका जो ये वाला स्टाइल है ना, ये पॉपुलर हुआ था सोनो चंदा से, एंड आई थिंक उसमें कहीं वो उस रोल में रह गई है, बिकॉज पॉपुलर बहुत हुए हैं ये वाले रोल्स, एंड शी लुक्स वेरी नाइस, बट शी हैज ह्यूज पोटेंशियल। आई थिंक शी नीड्स टू गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रोल्स एज वेल। दो ये भी करे तो दो वो भी करे, कुछ कुछ मिक्स प्लेट होनी चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी मोर फ्रॉम हर। हाँ, थोड़ा सा उसे एफर्ट लगाना चाहिए, मगर शबीर जान की तो एक्टिंग, आई मीन लव, बिल्कुल। मैं वही सना से थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, आपसे क्या छुपाना, ब्लूपर हो गया था हमसे कुछ, तो हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, हम बकवास कर चुके हैं पूरी। लेकिन मैंने उस क्लिप में कहा था सना को कि शबीर जान तो लगता है पैदा ही उसी थड़े पे बिरयानी बनाते हुए हुए थे, उसी देख पे इतना बेसाख्ता। और वो जो टिपिकल आपके, आई नो, टिपिकल उस एरिया के लोगों की जबान और जिस तरीके से वो बिरयानी वाले केटरिंग के लोग बात करते हैं, लग रहा था कि शबीर जान बचपन से देख लाते। बट ये कि मुझे लगता है अच्छा है, शबीर जान तो परफेक्ट फिट है अपने रोल में। इकरा शुड अडॉप्ट सम लिल्ट ऑफ मेमन एक्सेंट। हमजा सोहेल इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब आई थिंक, है ना। स्टोरी के बारे में क्या कुछ कहोगी? स्टोरी का भी देखते हैं कि क्या होगा, लाइट हार्टेड सा थोड़ा सा है। हाँ, ये थोड़ा सा वो जो एलिमेंट बहन की शादी का जो है ना दिखा रहे हैं, रेड फ्लैग्स वगैरह। अब वो भाई बेचारा सही बात करता रहा, पहले अब्बा ने शटअप कॉल दी थी। ये होता है हमारी सोसाइटी में, यंग बच्चों को नहीं बोलने दिया जाता, तुम्हारे तब में क्या तजर्बा है, तुम मत बोलो, तुम मत कहो। बहन का ससुराल है, उससे अपोलोजाइज करवा दिया, फिर उसके बाद उसने उस लड़के को जो दूल्हा टू बी था, फिर बाद में शादी हो गई, उसने उसको किसी बच्चा जो वेटर था उसको मारते हुए भी देखा, लेकिन उसकी वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की को भी जब पता चला तो लड़की भी वो यूनी डायरेक्शनल माइंड है कि नहीं, जहेज मांगे तो भी शादी उसी से करनी, दिल का अच्छा है, बड़ा तुमने दिल देख लिया दो साल में, जो दिल का अच्छा उसने भाई को कहा तुम अपोलोजाइज कर लो, क्योंकि लड़का, मगर आई थिंक द मोर रीजन शी वॉन्ट्स टू कॉम्प्रोमाइज दो साल की मंगनी है। और वी ऑल्सो नो के पाकिस्तान में मंगनी बदनामी हो जाती है, शादी टूटना, और इट्स मतलब बेचारी लड़की का सब कहती है, तो वो लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करो। इसीलिए तो तुम देखो एक घर वाले भी, हालांकि उनको क्या माँ बाप को नहीं लग रहा कि कितना लालची है, मुस्तकिल नई चीजें मांग रहे हैं, बट वो कर रहे हैं कि लड़की वाले हैं। हमारे यहाँ ना बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, जो हम सभी कह कह के आई थिंक अब तो फटाफट एक पढ़ी लिखी तो लगती है उसमें, पढ़ी तो हम अपनी बच्चियों को इस एहसास के साथ पालते हैं कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल शादी है। शादी होना बहुत अच्छी बात है, बट जिंदगी का ओनली फोकस ये नहीं रह सकता जिंदगी में कि बस यही गोल है। लाइफ हैज अ लॉट टू ऑफर, इतने ब्यूटीफुल ब्राइट ब्रेन्स जाया होते हुए देखे हैं कि आपकी जिंदगी का एक ही गोल है, और इफ दैट ऑल्सो डजंट वर्क आउट देन
what else do you have? You're left with nothing at the end of the day. And then फिर अगर आप पढ़ाई भी ना करें तो आप इतने financially dependent हो जाते हैं on the males of the family. शादी ना हो तो बाप और भाई पे, you know, तो किसी ना किसी पे dependent ही बच्ची रहे. Financial independence के लिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को तालीम दी जाए एंड ऑल्सो उनके पास भी अवेयरनेस हो, चाहे वो काम ना भी करें, उनकी चॉइस हो. ये नहीं कि हर एक काम करने निकल जाए, कोई नहीं भी काम कर रहा, कोई हाउस वाइफ भी है, काम नहीं भी करें तो एटलीस्ट आप अपने बच्चियों को वो टूल्स तो दे दें कि अगर वो कभी करना चाहें तो वो कुछ तो कर सके जिंदगी में. पढ़ी लिखी होंगी तो उनकी राय की भी अहमियत होगी, उनकी भी राय सुनने के काबिल होगी. तो थोड़ा सा ये कि हम सबको, जिनकी स्पेशली बेटियां हैं एंड पाकिस्तान में तो आई वुड से बेटे भी हैं, तो उनकी तालीम पे बहुत तवज्जो दें, बिकॉज आई नो सो मेनी फैमिलीज जहाँ पे ये नहीं है. खैर ये बात सोशल उस पर निकल रही है, हम ड्रामास की बात कर रहे थे, बट ड्रामास यही एस्पेक्ट्स तो कवर करते हैं ना. बच्चियों की मुसलसल जो हमारे उसमें एक थीम है, ये ड्रामा बहुत अच्छा भी होगा लेकिन थीम वही है कि एक जालिमाना ससुराल में वो चली गई है जो लालची है. ये पता नहीं किसी स्टोरी के, कोई स्टोरी कंप्लीट क्यों नहीं होती. काबली पुलाव और खई जैसे ड्रामे भी तो हैं, जरूरी नहीं कि आप एक हंसते खेलते घर में जरूरी एक सड़ा हुआ एलिमेंट ले आए. क्यों लाए हैं इस एलिमेंट को? बहन का कोई और मजे का रोल भी तो बना सकते थे. वो दुखियारी अब जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी. डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन कराची ना, हर ड्रामे में वही स्लाइस ऑफ लाइफ दिखा तो है ना, असली में यही तो हो रहा है. कुछ अच्छा दिखाए ताकि लोग कुछ सीख के और अच्छा करें या इसी को पॉजिटिव. इसी का अभी तो फिर मैरिज में भी होंगे मसले. मेरे दिमाग में ना हर चीज वो मन्नत मुराद चीख रही है, किसी का कोई चरबा वर्जन. मैं खुदा के लिए मन्नत मुराद से नहीं कंपेयर कर, ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये एंड तक देखना पड़ेगा. अच्छा, मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है इस ड्रामे के बारे में, आपकी राय महफूज रख रही हूं. हमारे व्यूज का पता चल गया होगा कि तुम्हारी राय क्या, टेंजेंट क्या है. यू जा ही नहीं पाता है अभी भी. खई का भी यू ही है. नहीं, खई इज क्वाइट स्टेबल. आई थिंक जब से हमने रिव्यूज शुरू किए हैं तो काबली पुलाव वाज अ सॉलिड अपवर्ड ट्रेंड. अब मुझे काबली पुलाव की देखनी पड़ेगी पुरानी वीडियोस, उसमें भी की होगी तुमने कुछ ना कुछ. आई डोंट रिमेम्बर. देखो, परफेक्ट तो अल्लाह की जात के अलावा कुछ भी नहीं है ना. तो वो तो एक अलग चीज है, बट मुझे लगता है कि हमारे ड्रामास बड़े घिसे पिटे हो गए हैं. इवन जो अच्छी चीजें हैं ना वो अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें भी हमने मिर्च मसाले, वही सास बहू, लालचीपन, कुछ कोई और भी स्टोरीज हैं. बच्चियां निकलती हैं, लड़के निकलते हैं जिंदगी में, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, सक्सेस स्टोरीज कवर करें लोगों की. लोगों को अभी हो गया ना उसका, तो उसकी सक्सेस स्टोरी है कि घर में किसी ने नहीं पढ़ाई की मगर उसने बीबीए टॉप डिस्टिंक्शन के साथ, उसके बाद अब्बा देख हिलवा रहे हैं. मगर वो करेगा ना, कुछ और करेगा. कोई गलत बात नहीं देख हिलाने में भी, लेकिन अब्बा को उसके विंग्स भी क्लिप नहीं करने चाहिए. फिर एनी वे, लेट्स सी हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस. मैं अगेन इसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि हमारे माशरे में इतने टॉपिक्स हैं, लेकिन नहीं, वो घर, शायद वो लोग ये कहते हैं कि घर में औरतें बैठ के घरेलू देख रही हैं तो उनको वही फीड किए जाओ ताकि वो वही विशेष साइकिल में लगी रहें. बट अच्छा अदब, गुड लिटरेचर, अच्छी शायरी, अच्छे ड्रामास, अच्छी कल्चर की बातें करें, लोग वो सीखेंगे. ये आपके मैसेज देखते हैं चीजें, और यही और रिप्रेजेंट भी यही हो रहा है पाकिस्तान बाहर की. इनके यहाँ तो सास बहू से कोई निकलता नहीं है. यही कैसे रहेगी कि अब हम बिंदिया लगा के साड़ी पहन के और वही डंग 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 क्लोज अप और फोकस करना शुरू कर दिया था ना ये ट्रेंड. शुक्र है कि वो खत्म हुआ. पहले गोज टू हम टीवी जब आया था ना, उसने ये ट्रेंड बहुत चेंज किया था. तो ये कौन सा था तुम्हारा फेवरेट ड्रामा, ये वहा चली और यमुना जैती वाला तेरे पिन. मेरा फेवरेट तो था उसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट था जी. अब अल्लाह ना करे कि इश्क मुर्शिद भी उसी लाइनों पे चलता हुआ दिख रहा है मुझे तो. उन्होंने बाद में एक्स्ट्रा सीन्स रिकॉर्ड करके डाले उसके अंदर, ये जो रोमांस ट्विंगम की तरह खींच रहा है. खैर, आई होप दैट लेट्स टॉक अबाउट इश्क मुर्शिद इन द नेक्स्ट एपिसोड. तो दिस वाज आवर टेक ऑन बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट. Moving on to the next one, Sana. जाने जहां. Yes. अब हम जाने जहां को, जाने जहां का वो करते हैं पोस्टमार्टम. जाने जहां में जो है क्या नाम है, आई थिंक स्टोरी काफी आगे बढ़ गई है. उन्होंने वो जो अपना स्लीपिंग वाला सा है वो सब छोड़ दिया है. उन्होंने पुराना वाला ड्रग और ये सब छोड़ दो क्योंकि काम नहीं आ रहा है. उसमें मरियम नफीस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया उसमें, उसके कैरेक्टर ने. उसके बाद बेस्ट तो ये हो रहा है कि वो
उठे तो उठ ही पड़े कि उन्होंने अपनी अम्मा को आके ही आके कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं शादी के नाम ना ले। और उन्होंने दुनिया का सारा काम छोड़ छाड़ के एक स्कूल पर भाई की शादी उधर तय करवा दी है जहाँ भाई भी नहीं चाह रहे थे। तबरेज भी कहाँ करना चाह रहा था शादी, अम्मा तबरेज तो सिर्फ उसके मुझे ये नहीं समझ आया कि वो लड़की एकदम से कैसे, वो बात जो छोटे भाई से कर रही थी और दोस्ती थी, मैं तो समझी आई एक्चुअली थॉट देयर सम रोमांटिक एंगल देयर, लेकिन वो नहीं हुआ तो अब पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे दो तीन बातें समझनी है। एक तो वो उन्होंने तस्वीर देख ली खाला जान ने उसके उस पे स्लीपिंग बॉटल की और सवेरा दीदी ने उसके सूटकेस पैक करवा के उसको भिजवा दिया। जीनत नाम था ना उसका, तो जीनत साहिबा तो चली गई। व्हाट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इज के जीनत बता क्यों नहीं सकी इतने अरसे वो शहराम के साथ। पर इसमें बड़ी मजे की बात है, इसमें बहुत मीम्स बने हैं। अच्छा। मरियम हफीज ने खुद पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, उसमें लोग कह रहे हैं कि ठीक है चली गया तो वॉइस नोट भेज दो या मैसेज भेज दो शहराम को, 2024 में बैठे हैं, कितने महीने रह लिए तुम उसके घर, तुम फेस टू फेस उसको बताना सकेंगे अभी, अब कौन से मौके का इंतजार। नंबर तो होगा ना, पिक्चर भेज बता दे पूरा मैसेज, तो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, अभी लॉजिक ये वाली चीज मुझे नहीं हजम हुई थी थोड़ी सी। दूसरी चीज ये कि तबरेज तो चलो मान गया अम्मा के धमकाने पे व्हाटएवर, लेकिन तबरेज सीधा तो है नहीं, अभी वो करेगा तो उसे कुछ गुल खिलाएगा। हाँ, तो वो तो तबरेज का तो पॉलिटिकल एंगल अभी समझ पाएंगे, मगर इसके अलावा आई थिंक अच्छा हो रहा है ये इमाद इरफानी के रोल का क्या सीन है और कभी अफरादी का हो जाएगा ना आयजा खान, तो उसका रोमांटिक आयजा खान को दो लोग अब उसके पीछे पड़ जाएंगे, ट्रायंगल सा बन गया उधर, और तबरेज वाला भी ट्रायंगल है, सो वी आर डीलिंग विद टू ट्रायंगल्स एंड अ वेरी विशियस विच लाइक मदर, playing it beautifully by the way. I'm loving her acting. हाँ, but I think the drama move कर रहा है fast. मुझे मरियम नफीस की acting भी बहुत अच्छी लगी इस episode में. She was so good. जब बेबसी उसकी दिखा रहे थे उसकी आंखें, they were so expressive. She was wonderful. हाँ, मतलब loving somebody and knowing that the person doesn't love you back. I don't know love था कि नहीं, but she likes him. Infatuation या जो भी whatever. और yeah, I hope उसका character continue करे. ड्रामे में वापस आए और कैसे आएगी आप वापस, आई डोंट नो, आई मीन या तो बताएगी हमजा पासी को, नहीं अब कब एक प्रोमो में दिखाया ना, शी गोज टू आयजा खान्स हाउस, मैंने प्रोमो नहीं देखा। हाँ, शी गोज टू आयजा खान, क्या पता आयजा खान को बता, आयजा खान को बता देगी, आयजा खान को बता देगी, दैट्स अ गुड एंगल। और आयजा खान फिर अच्छा 10 एपिसोड्स निकल गई कि मरियम नफीस को पता है वो बता नहीं पा रही, अब अगले की 10 निकल जाएंगी कि आयजा खान को पता है वो बता नहीं, क्योंकि आयजा खान तो उसकी माँ की बदतमीजी की बातें भी उसे नहीं बता रही, वो तो खैर चलो उसका बड़ापन दिखा रहे हैं कि वो माँ बेटे के उसमें बीच में नहीं आ रही है, बट ये कि लेट्स सी के हाउ इट गोज, बट अब तो वो इलेक्शन में आ जाएगा ना, इलेक्शन में खड़ा होगा, अच्छा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये वो वाला टाइप का रोल है जो हमजा अली अब्बासी करना चाहता है हमेशा से, कि मेरी वॉइस हो, मैं एवरीथिंग गुड का मैं बन जाऊं सिंबल, तो बेस्ट इन दैट, ही इज अ गुड एक्टर, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं इसमें, आयजा खान भी अच्छा कर रही है। अभी तक आयजा खान को मुझे लगता है बहुत मार्जिन नहीं मिला है कुछ परफॉर्म करने का, बट आई थिंक शी इज सूटिंग दिस रोल परफेक्टली एज अपोज टू हर लास्ट वन इन मे, ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे ओवरऑल वाइब अच्छी लग रही है। बट द ओनली इशू इज कि ये जो आयजा खान और शहराम की मोहब्बत है, शायद ऐसे लोग अभी भी बसते हो, लेकिन ये कोई 1948 की मोहब्बत नहीं दिखा रहे। हाँ, और उन्होंने नाम भी क्या रखा है, जाने जहां, गूगल कर रहे पड़े कि क्या मतलब है, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि जरा ओल्ड एज रोमांस है, बट उसके अपने एक नुआंसेस हैं, वो अपना अच्छा गांव में रहते हैं ना, थोड़ा बैकवर्ड दिखाया, थोड़ा बैकवर्ड। हाँ, अच्छा बाकी तो तबरेज तो बड़े फास्ट है। हाँ, और छोटे भाई भी गाड़ियां बट एनी वे अच्छा जा रहा है, इट्स पेस इसकी अच्छी है, बैकड्रॉप थोड़ा सा जरा काम और थोड़ा हवेली टाइप का माहौल, तो अच्छा है, डायरेक्शन अच्छी है, क्योंकि हालांकि हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इसके बारे में बोला था कि घर कितना बड़ा है और गांव में एसी है, बट हाँ कुछ चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखा है, बट कुछ चीजें थोड़ी थी ऑफ थी, बट आई गेस नथिंग इज परफेक्ट एज यू से, तो चलो सर ने एग्री कर लिया, ये आप ये गोल्डन वर्ड्स में जाएगी एज यू से, बिकॉज़ आई फील
feel there is perfectionism in the world. God. You have to just see around and see kahan pe. Yes. Kuch log hain perfect. Ji. Sana ne apne mama apne aap ko perfect declare kar diya. Isi note pe we will take your leave. I hope you like that review. Kyunki ab Sana ka dusra tangent ho raha hai to hum chalte hain. Okay, see you next time. Thank you for watching. Bye bye.